आज 10 सितंबर 2024 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 10th सितंबर 2024 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज 10 सितंबर है, बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, जो मानसिक स्वास्थ्य में सेवाएं देते हैं, मेंटल हेल्थ में। 10 सितंबर और 10 अक्टूबर, ये दोनों दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। 10 सितंबर ये दिन आत्महत्या प्रतिबंध दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 अक्टूबर ये दिन मानसिक स्वास्थ्य दिन के रूप में मनाया जाता है। तो ये सितंबर से अक्टूबर तक बहुत सारे कार्यक्रम पूरे विश्व में करते हैं। इस समय हम देख रहे हैं कि लोगों की बैटरी, जैसे आज के साकार मुरली में आया, डिस्चार्ज होते जा रही है। तो मानसिक बीमारियां बढ़ते जा रही है। शास्त्रों के वचन है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इस समय मन बंधन उत्पन्न कर रहा है, मानसिक तनाव अपनी चरम सीमा पर है और इसका आउटकम माना लास्ट में ये मानसिक तनाव बहुत हो जाता है, तो व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त करता है। एक्चुअली आत्महत्या शब्द मिसनोमर है, क्योंकि आत्मा की तो हत्या नहीं की जा सकती, ये तो जीव हत्या है और जीव हत्या समाधान नहीं है। इस समय इस पृथ्वी पर कई लोग आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है। अभी ऐसे भी केसेस आ रहे हैं कि पहले एक व्यक्ति आत्महत्या करता था, अभी परिवार का परिवार आत्महत्या करता है और इसके कई सारे कारण हैं। आज शॉर्ट में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि दो प्रकार की आत्महत्या होती है। एक जिसको हम इंपल्सिव कहते हैं, माना लहर आई और कर लिया, और दूसरे होते हैं सोच के करते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं। तो लहर आके कर लिया, उनको बचाना मुश्किल होता है और इनकी संख्या लकीली बहुत कम है। लेकिन ज़्यादातर लोग इशारा देते हैं कि वो आत्महत्या करने वाले हैं। तो घर वाले और मित्र संबंधी अगर जागरूक है तो ये दूसरे ग्रुप को हम पूरी तरह से बचा सकते हैं। और इसी के उपलक्ष्य में आज के दिन पूरे विश्व में कार्यक्रम होते हैं। आपको वंडर लगेगा, हम कहते हैं हम जानवरों से अच्छे हैं, माना जानवर हमसे कम समझदार है, ऐसे मनुष्य को लगता है। मनुष्य को बुद्धि का वरदान भी है तो बुद्धि का श्राप भी है। बुद्धि के वरदान से मनुष्य नरक को स्वर्ग बना सकता है, पृथ्वी से चांद पर जाता है और क्या क्या नहीं करता है, लेकिन ये बुद्धि ही उसके लिए श्राप बन जाती है जब वो यथार्थ निर्णय नहीं कर पाता है।
कंफ्यूज रहता है, डिप्रेशन में जाता है, उदास हो जाता है। तो आपको आश्चर्य लगेगा, इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उसमें से केवल मनुष्य एक ही प्राणी है जो आत्महत्या करता है। ये भी वंडरफुल है, सबसे बुद्धिमान प्राणी है, अपने जीवन को समाप्त कर देता है। और एक मजे की बात जो किसी ने कहा कि बाकी के प्राणी है वो जिसको हम कहते हैं डेंजरस एनिमल, हिंस्र श्वापद कहते हैं, हिंस्र जानवर जैसे शेर है, टाइगर है, तो वो शेर और टाइगर है ये केवल एक ही व्यक्ति को मारते हैं या एक ही जानवर को मारेंगे, लेकिन मनुष्य इस समय का सबसे खतरनाक जानवर है, क्योंकि वो केवल अपने को नहीं खत्म कर रहा है, साथ में अनेक लोगों को खत्म करने की ताकत उसके अंदर है। केवल लोग ही नहीं, जानवर ही नहीं, लेकिन पूरी पृथ्वी को वो खत्म कर सकता है। इतनी ताकत मनुष्य के अंदर इस समय है। इस समय इस पृथ्वी पर इतने न्यूक्लियर वेपन या एटॉमिक बॉम्ब्स तैयार है कि इस पृथ्वी का कई बार विनाश कर सकते हैं, एक बार नहीं 30 बार विनाश कर सकते हैं, इतना एटॉमिक वेपन उसने बना के रखा है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य सबसे खतरनाक प्राणी है। ऐसा मनुष्य जो इतना शक्तिशाली है अपने साथ खुश नहीं रहता है, यही आज का दिन है। तो अगर कोई व्यक्ति लोनली फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है कि मेरा कोई नहीं है, ऐसे जब किसी को लगता है तो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप में वो यही कह रहा है कि वो खुद की कंपनी को एंजॉय नहीं कर रहा है। इसका समाधान है अपनी इच्छाओं को कम कर दें, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दें, ज़्यादा देहाभिमान में नहीं रहे और सबके साथ रिश्ते अच्छे रखें, तो ऐसी परिस्थिति आने के चांसेस कम है कि आपको आत्महत्या करना पड़े। अगर ऐसे विचार आते भी हैं तो मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाहूँगा कि ये विचारों को हम परिवर्तन कर सकते हैं, ये विचार बदले जा सकते हैं। तो इस समय अगर कोई भी दुनिया में अगर आत्महत्या के विचारों से ग्रसित है तो हिम्मत नहीं हारना है। अंग्रेजी में कहते हैं देर इज लाइट एट द एंड ऑफ टनल, लाइट एट द एंड ऑफ टनल। रात कभी भी इतनी गहरी नहीं होती है और इतनी शक्तिशाली भी नहीं होती कि वो सवेरे को रोक सके। अगर जीवन में बहुत गहरापन आया है, अंधकार आया है, तो थोड़ा धैर्य रखने का, क्योंकि अभी सूरज आने वाला है। द डार्केस्ट आवर ऑफ द नाइट इज जस्ट बिफोर द डॉन, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो आज की मुरली के ऊपर आते हैं, आज की पूरी मुरली है माया जीत, और नंबर वन सेफ्टी क्या है। इस समय मनुष्य बहुत असुरक्षित है, तो बाबा ने आज महामंत्र दिया है जो भगवद गीता का मंत्र है, मन मना भव। और बाबा ने कहा है कि इस मंत्र में सभी खूबियां समाई हुई है, सभी खूबियां। अभी ये चिंतन का विषय है कि कौन सी खूबियां समाई हुई है, थोड़ा इसके ऊपर चिंतन करेंगे। भगवद गीता कहती है मन मना भव, तन मना भव, धन मना भव, जन मना भव नहीं, मन मना भव। हम मैनेजमेंट में ये कहते हैं, अभी मैं डॉक्टर्स का सेशन लेके आया हूँ, मैं अभी इस समय फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट के मुक्तसर में हूँ। मुक्तसर ये स्थान है पंजाब में, और मैंने अपने जीवन का पहला सेशन लिया बाहर। वैसे मधुबन में कॉन्फ्रेंस करते तो डॉक्टर्स आते हैं, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर्स का प्रोग्राम शाम को या रात को होता है। आज मैंने पहली बार सेशन लिया, सुबह 6:30 बजे डॉक्टर्स तैयार है, तो बहुत अच्छा लगा। तो बात चल रही थी कि मन मना भव, मन मना भाव, इसका भाव है कि मन को मेरे में लगाओ। अभी दो बातें हैं, मन और बुद्धि हम कहते हैं,
बाबा के कई सारे गीत हैं जिसके ऊपर कई भाई बहनों का चिंतन चलता है। वो कहते हैं कि मन की आंखों ने है देखा पास आखर आपके। तो मन की आंखें है या बुद्धि रूपी नेत्र है, ये प्रश्न मुझे कई पूछते हैं। फिर योग को बुद्धि योग कहा गया है, उसको मनोयोग नहीं कहते हैं कि मन का योग नहीं है, योग बुद्धि का है पर लगाना मन है। तो कई बार बीके भाई बहने इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग जो रैशनल होते हैं, तर्क से चलने वाले, तो स्पष्ट महसूस करना है मन और बुद्धि, ये दोनों आत्मा की शक्तियां जो हम जानते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन प्रेयर्स गो अप ब्लेसिंग्स कम डाउन, माना जब प्रार्थना ऊपर जाती है तो आशीर्वाद नीचे आता है। माना एक शक्ति आत्मा की ऊपर जा रही है और एक शक्ति परमात्मा से नीचे आ रही है। ये वैसे ही है जैसे आप 3 पिन सॉकेट में वो पिन डालते हैं तो करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। तो मन मना भव मंत्र है, तन मना भव धन मना भव नहीं है। हमारा गीत भी है 7:30 का, जो मेडिटेशन का गीत चलता है उसमें शब्द आता है कि जहाँ हमारा मन होगा वहाँ हमारा धन होगा। तो पहले सबसे मन जाता है, बाकी सब बाद में जाते हैं। तो मन मना भव माना जब हम मन को परमात्मा में लगाते हैं तो बुद्धि साथ में है ही है। आप अगर बहुत गहराई से चिंतन करो तो बाबा ने ये जो कहा है माया को वश करने का मंत्र मन मना भव, तो आपको पता चलेगा कि पहले मन जाता है फिर बाद में बुद्धि उसको सपोर्ट करती है। मन संकल्प करता है कि आज मुझे सिगरेट पीना है, अगर बुद्धि चाहे तो उस सिगरेट पीने वाले विचार को रोक सकती है। बुद्धि कह सकती है शट अप, तुमको सिगरेट नहीं मिलेगी, इससे नुकसान होता है। लेकिन माया जो है मन के द्वारा बुद्धि के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है, क्योंकि बुद्धि के परमिशन के बगैर आत्मा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बुद्धि को ब्रेक कहा गया है और मन को एक्सेलरेटर कहा गया है। माना गाड़ी जब चलाते हैं उसमें एक्सेलरेटर होता है और ब्रेक होता है जिससे गाड़ी की गति बढ़ती है और गाड़ी को रोक सकते हैं। तो बुद्धि ब्रेक का काम करती है। तो ये जो संकल्प विकल्प चलते हैं जो कि माया का रूप ले लेते हैं, इसी को माया कहा। बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा था कमजोरी ही माया है। तो हमारे अंदर जो भी कमजोरी है वो संकल्प के रूप में मन में आती है। तो मन हो गया बीज, मन को बीज कहा है। इसलिए वो सब कहावते जो मैंने शुरुआत में बताया, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष, या हिंदी में कहते हैं मन के हारे हार है मन के जीते जीते, ये क्यों कहा गया है, मन की इतनी महिमा क्यों है। तो मन से ही शुरुआत होती है, पहले संकल्प आता है फिर भावना फिर दृष्टिकोण वृत्ति फिर कर्म हो जाते, उससे संस्कार बनते थे, लेकिन पहले आता है संकल्प। इसलिए मन को ही बीच में ब्लॉक करना है, इसको कहते हैं निप देम इन द बड़, अंग्रेजी में कहते हैं। इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन आज की मुरली कोई लेकर चल रहे, बाबा कह रहे मन मना भव ये महामंत्र है, इसके द्वारा तुम माया को वश कर सकते हैं। अभी इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरे मन के अंदर कमजोर संकल्प उत्पन्न होता है और फिर बुद्धि उस संकल्प को सहयोग देती है, फिर वो कर्म हो जाता है और वैसा संस्कार। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि इस जन्म में जो भी पाप हुए हैं, गलतियां हुई हैं, मुझे पाप शब्द अच्छा नहीं लगता है, गलतियां हुई हैं, उसको बाबा को बता देना है। जितना बताएंगे, बाबा ने कई मुरली में कहा है कि 50% माफ हो जाएगा। तो जैसे सर्जन के आगे सच बताते हैं, कोई छिपा भी लेते हैं, तो बाबा ने कहा अंदर में जो खामियां हैं वो बाप को बतलानी पड़े, इस जन्म में जो पाप किए हैं वो अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहेगा।
तो बाबा ऑपरेशन कर रहा है आत्मा का। आप अगर देखेंगे कि बाबा के कमरे में लेटर बॉक्स होता है, ये बहुत अच्छा तरीका है। आपको अगर कोई भी बात दिल में खा रही है, बार बार याद आके आप डिप्रेशन में जा रहे, उदास हो रहे हैं, गिल्ट फीलिंग में जा रहे हैं, तो वो बात लिख के बाबा को देना चाहिए। तो बाबा ने कहा ये सब सुनाना बहुत ज़रूरी है, अंदर रख लेना, यह नुकसान कारक है। जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं वह सब बाप को बतला देते हैं, इस जन्म में यह यह पाप किए हैं। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम ये बताते हैं तब हमारा इलाज हो रहा है, माना हम एक्सेप्टेंस मोड में हैं। हमको मनोविज्ञान में ये बताया जाता है कि अगर आप डिनायल मोड में हैं, माना आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर आपको ठीक कैसे करेगा? ना आप डॉक्टर के पास जाएंगे। मानसिक बीमारियों का और एक प्रॉब्लम है कि जो मानसिक बीमारी वाला रुग्ण होता है, कई बार वो स्वीकार ही नहीं करता है कि उसको प्रॉब्लम है। वो कहता है तुमको ही दवाई की जरूरत है, घर वालों को कहता है मैं ठीक हूँ। अभी ऐसे कितने केसेस मेरे पास है जो दवाई लेना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कि उनके घर वाले, अभी ये भी एक मानसिक बीमारी है, खाने में से उनको जहर देंगे, ये दवाई में से जहर देके उनको खत्म कर देंगे। मेरे पास एक केस है जो बहुत पुरानी है, बाबा का बच्चा है, लेकिन उसको ये डर रहता है कि उसके माँ बाप उसको खाने में से जहर दे देंगे, पुलिस वाले को पकड़ा के दे देंगे, बार बार वही कह रहा है। अब ये बीमारी है बेचारा, लेकिन उसके लिए वो सत्य होता है। इसके लिए कहा कि मन को परमात्मा में लगाओ, जितना मन परमात्मा में लगेगा, बीज को ही आपने पकड़ लिया तो उसका पेड़ होगा ही नहीं। और जितना जितना हमारा मन शिव बाबा में एकाग्र हो रहा है, उतना उतना बुद्धि के अंदर ताकत आते जाती है। तो इसको इस तरह से समझना है, योग के लिए मन और बुद्धि दोनों चाहिए। एकाग्रता की व्याख्या, जैसे कल के संडे की मुरली थी, एक व्रता एकाग्रता एक मत और एक रस। तो एकाग्रता की बाबा ने व्याख्या दी है कि जब मन और बुद्धि एक समय पर एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहते हैं, उसे एकाग्रता कहते हैं। अभी मन तो शिव बाबा में लग गया, तो बुद्धि का काम क्या है? तो बुद्धि शिव बाबा से जो शक्ति आ रही है उसको ग्रहण करते हैं, जिसको बाबा ने कहा शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो मन अगर देखता है तो बुद्धि उसे महसूस करती है, फील करती है। कल था ज्ञान और पवित्रता के गुण आते जाएंगे, है ना? आज बाबा ने देखो उसी भाव से कहा है कि जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतने तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते जाएंगे, पतित कर्मेंद्रिया शांत होते जाती है, क्योंकि याद से बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे हिसाब से। जितना हमारा योग लगते जाएगा हमारे अंदर दिव्यता आते जाएगी। बाबा ने कहा कैरेक्टर सुधरते जाएगी। अभी कैरेक्टर सबसे अच्छे कैरेक्टर देवताओं के हैं। बाबा ने कितने बार मुरली में कहा सबसे अच्छा कैरेक्टर देवताओं के हैं। इस समय के लोग कैरेक्टर लेस है क्योंकि पतित दुनिया में है, तो कैरेक्टर रहे नहीं है क्योंकि देह भान और देह अभिमान बहुत है। कैरेक्टर माना चरित्र, तो इस समय के लोग चरित्रहीन हैं। जितना जितना शिव बाबा को हम याद करते जाएंगे उतना हमारा चरित्र सुधरते जाएगा, कर्मेंद्रिया शांत हो जाएगी। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि ये कर्मेंद्रिया या माया लास्ट तक परेशान करेंगी, इसलिए हमको अपना याद का चार्ट बढ़ाने का लक्ष्य रखना है। आज देखो बाबा तो बाबा है, कल जैसे संडे के मुरली में पहले लाइन वालों को बाबा ने याद किया था, आज देखो बाबा ने मुरली में क्या कहा है। भगवान है तो भगवान स्पष्ट कह रहा है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमजोर है।
माना बाबा ये कह रहा है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे हैं। कई बाबा के बच्चे मैं देख रहा हूँ, उनका प्रशासन अच्छा है। आज भी बाबा यही कह रहा है कि वो काम अच्छा कर रहा है लेकिन योग में कमजोर है। और बाबा क्या कह रहा है, बाहर रहने वाली बांधेली गोपिकाएं जितना याद करती है उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तड़पन होती है शिव बाबा से मिलने की। जो मिल जाते हैं उनका पेट जैसे कि भर जाता है। लेकिन बाबा फिर कह रहा है जो बहुत याद करते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं। अभी इसको बहुत अच्छी तरह से समझना। बाबा स्पष्ट कह रहा है कि आप कितनी भी सेवा करो, सेवा के मार्क्स डेफिनेटली है, लेकिन बाबा सेवा से ज्यादा योग के सब्जेक्ट को नंबर दे रहा है, क्योंकि हम राजयोगी है, योगी है हम। तो अगर हमारा योग पावरफुल नहीं है तो दो बातें होगी, एक विकर्म विनाश नहीं होंगे और दूसरा पाप कर्म होते रहेंगे और तीसरा पद कम हो जाएगा। इसलिए योग के सब्जेक्ट के ऊपर बहुत हमको मेहनत करनी है। बाबा ने कितने बार मुरली में कहा कि ज्ञान सुनना सुनाना बहुत इजी है, अभी थोड़ा आपकी बुद्धि अच्छी है तो आप मुरली को पूरा याद कर सकते हैं, मुरली को रिवाइज भी कर सकते हैं, उसके भी मार्क्स हैं, लेकिन उतने नहीं जितना योग के सब्जेक्ट में। हमने भी जब चेक किया बहुत लोगों को, बाकी का छोड़ो मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ, मेरा जब चेकिंग हुआ तो मैंने देखा बहुत मुश्किल से मैं अल्फा स्टेज तक जा पा रहा हूँ। तो ये स्पष्ट है बाबा जो कह रहे हैं, बाबा की बातों में सत्य है। बाबा को तो पता चलता है ना किसका किसका याद पहुंच रही है। तो बाबा ने बहुत बार माताओं को अप्रिशिएट किया है क्योंकि दिल की आवाज दिल तक पहुंचती है। आज बाबा ने कहा है कि बांधेलियों का योग सबसे अच्छा रहता है जिससे रोका जाता है। अभी जिन्होंने समर्पित जीवन जी लिया, जिनका पेट भर गया, जो बाबा को मिलते हैं वो कहते हैं बाबा तो रोज आता है। और इनफैक्ट ऐसे ही होता था, बाबा रात भर बैठा रहता था तो कई बाबा के बच्चे सोने को जाते थे, बाबा बैठा है हम बाद में मिलेंगे, पहले बाबा एक एक से मिलता था। तो ये मनुष्य का स्वभाव है कि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसका महत्व नहीं रहता है। अभी मैं मुरली का ही आपको सुना रहा, मुझे याद आ रहा है कि हमको मुरली पहले नहीं मिलती थी। मुरली पहने लेने के लिए हम सेंटर पर जाते थे तो बहने कहती थी पहले बाबा के कमरे में बैठो योग करो। तो मुरली भी मिलना बहुत मुश्किल था ना, उस समय जेरोक्स थी ना ऑनलाइन डिजिटल था। अभी जैसे ही मुरली मिल गया तो लोग घर पे टीवी पे मुरली सुनते हैं, सेंटर पर नहीं जाते। तो पहले जो तपस्या थी हम देखते थे वैसे तड़प वाले, अभी पीछे आने वाले बहुत कम बच्चे हैं जिनके अंदर सचमुच में तड़प है। पीछे पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं जिनको ज्ञान में इंटरेस्ट है, उनको ज्ञान की गहराई में जाना अच्छा लगता है। कई ऐसे बाबा के बच्चे जिनको सेवा अच्छा लगता है। अभी ये चारों ही सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा सेवा। अभी कई लोग धारणा में भी कमजोर है, नियमों पे चलते नहीं है पूरी तरह से। तो हर एक बच्चा बाबा का नंबर वार है, लेकिन बाबा मार्क्स किसको दे रहे हैं जो योग में नंबर वन है। बेसिक ज्ञान भी किस लिए है, ज्ञान के आधार पर योग है। जिसका ज्ञान अच्छा होगा, ज्ञान की गहराई में जाएगा, मुझे जगदीश भाई ने कहा था अगर आपको बिंदु बनना है तो पहले ज्ञान में सिंधु बनना पड़ेगा। नो डाउट ज्ञान के आधार पर योग है, पर योग होना चाहिए ना। योग जितना अच्छा है उतना ज्ञान गुण और शक्तियों की धारणा होगी। नियम अलग है, धारणा अलग है। नियम है अमृत वेला उठना, बाहर का नहीं खाना, विकार में नहीं जाना, गुस्सा नहीं करना, दिव्य गुणों की धारणा, ब्रह्मचर्य, ये सब नियम है। नियम के आधार पर धारणा होती है। अगर आप नियमों पर चलेंगे
तो बाबा से ज्ञान गुण और शक्तियां बुद्धि में धारण होने लगेंगी, और जिनके अंदर ये ज्ञान गुण और शक्तियों की धारणा है उनके हर कदम में सेवा समाई हुई है। उनका देखना भी सेवा है, उनका चलना भी सेवा है, उनका बोलना भी सेवा है। जो कल की मुरली थी, स्पिरिचुअलिटी रूहानियत की मुरली थी, तो वो दो बोल देंगे तो सामने वाले को ताकत आ जाएगी। इसीलिए योग के सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है बाबा बार बार कह रहा है कि बच्चों में ज्ञान तो आ गया है समझ, लेकिन ज्ञान तलवार में जो जौहर चाहिए वो नहीं है, तीर नहीं लग रहा है, तीर नहीं लग रहा है। इसलिए लोग भी आते हैं अच्छा अच्छा बोल के चले जाते हैं, और जिसके अंदर धारणा होगी वह कभी किसी को नाराज नहीं करेगा। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज भी अभी कई सेंटर पर मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कई लोग बहुत जोर से बात करते हैं, कई लोग अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते, कई लोग सामने वाले को तो सीधा उड़ा देते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि धारणा नहीं है। कई लोग आज भी क्रोध को शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक गुस्सा नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होता है। ये भी बिलीफ सिस्टम है, मान्यता है। हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बाबा ने कहा हम बड़े आदमी से भी ऊंच बड़े देवताएं बनते हैं। अभी बड़े देवता ही इसका मतलब ये नहीं कि जिनकी लंबाई अच्छी है। मैं कई सेंटर पर ये लक्ष्मी नारायण का फोटो देखता हूँ, वो चलते हुए आ रहे हैं तो उसमें काफी लंबे दिखाई देते हैं। अभी देवताओं की हाइट कितनी होती है ये बाबा ने मुरली में बताया नहीं है, तो कई लोग समझते 7 फुट 8 फुट हो गए, इतने ऊंचे होते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 6 फुट हो गए। आज के जमाने में भी 6 फुट बहुत होता है, तो 5 6 फुट हम समझ सकते हैं। तो बड़े का मतलब ये नहीं कि ऊंचे हो जाएंगे, बड़े माना श्रेष्ठ, लंबे नहीं। तो ये आज का शब्द है। आज ब्रह्म ज्ञानियों को भी बाबा ने याद किया जिनके आश्रम शहर से दूर है, अभी शहर में घुस पड़े हैं क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज है, तमो प्रधान बन गए हैं। आज एक वाक्य मेरा ध्यान खींच लिया, मैं वाक्य पूरा पढ़ना चाहूंगा। बाबा ने कहा कहां पर भी जाओ, समुन्दर में जाओ, पृथ्वी पर हो, आकाश में हो, पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो, तो भी सब खत्म हो जाएंगे। और बॉम्ब ऐसे छोड़ेंगे तो जो बिल्डिंग्स है ऐसे गिरेंगी जैसे ताश के पत्ते। तो मेरे सामने अमेरिका का एग्जाम्पल आया, जब दो एरोप्लेन ने अमेरिका के टावर को हिट किया तो पूरा ताश के पत्ते की तरह वो बिल्डिंग गिर गए। आप कल्पना करो लास्ट में क्या होने वाला है। ये जितने भी बड़े बड़े टावर्स है बड़े बड़े शहरों में, ये जब बॉम्ब छूटेंगे, बाबा ने कहा पटाखे फूटेंगे, तो ये सब खत्म हो जाएगा। हाँ, तो आते हैं आज के वरदान के ऊपर। बाबा ने कहा अकाल तख्त नशीन ही दिल तख्त नशीन बनते हैं। सभी बच्चों को दो तख्त मिले, एक आत्मा का तख्त, और जो आत्मा के तख्त पर विराजमान होता है वो स्वराज्य अधिकारी बनता है, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार उसके कंट्रोल में है। जब मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है तो ऑटोमेटिकली बाबा के दिल के तख्त के ऊपर भी वो बैठता है और बाप के वर्षे का अधिकारी बनता है, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। और ऐसी आत्मा जो दोनों तख्त पर बैठे है, बाबा ने आज उनको टाइटल दिया कर्मयोगी। देखो कर्मयोगी हमने कल भी देखा था, कर्म करते समय बाबा की याद में रहना, जिसको बाबा ने कहा हथ कारड़े दिल याद दे, हाथों से काम करो दिल से परमात्मा को याद करो। आज बाबा कह रहे कर्मयोगी अर्थात दोनों तख्त नशीन, और ऐसे आत्मा की सर्व कर्मेंद्रिया लॉ एंड ऑर्डर पर रहते हैं, और ऐसे आत्माएं सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं। ये संपूर्ण अवस्था का गायन है। बाबा ने कहा निरंतर स्वमान में रहना ही संपूर्ण अवस्था है। जैसे शिव बाबा निरंतर स्वमान में रहता है, ऐसे बाबा के बच्चे जो निरंतर समान में रहते हैं वही गुणवान और महान बन जाते हैं। ये आज की पूरी मुरली है।
आज की मुरली का टेक हो, मगर आप मुझे कहो तो मैं कहूंगा, माया को वश करना है, माया जीत बनना है, तो मन मना भव के महामंत्र को यूज करो। हमारी सेफ्टी का साधन है याद की यात्रा। जितना याद की यात्रा में हम रहेंगे, उतना हम सुरक्षित रहेंगे। कर्मेंद्रिया शांत हो जाएंगी, हम मीठे बन जाएंगे, कभी कड़वा बोल निकलेगा नहीं, अंदर से कड़वाहट का कभी अनुभव नहीं होगा, कभी किसी को नाराज नहीं करेंगे। विशेष हमारे ज्ञान तलवार में योग का जोहर आ जाएगा। जैसे बाबा विदेही है, हमको भी बाप समान विदेही बनने का अभ्यास करना है। दोनों तख्त नशीन बनना है, अकाल तख्त और दिल तख्त नशीन। ऐसे आत्माओं की कर्मेंद्रिया लॉ एंड ऑर्डर पर रहते हैं, निरंतर स्वमान में रहते हैं, वही गुणवान और महान बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।